तस्वीरें भी दिखाएंगे अलग अलग मंदिरों में। देखिए देशभर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत जो है वो आज से हो रही है, तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। और देखिए देवी दुर्गा का पहला स्वरूप है और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पहले दिन नवरात्र में शैलपुत्री की पूजा करने के लिए तमाम जो मंदिर है, खास करके जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर बड़ी तादाद में भक्त सुबह से ही दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचना शुरू हो गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे और किस तरह से पूरा मुहूर्त रहता है उसका ध्यान करते हुए भक्त जो हैं वो आज से स्थापना करते हुए, कलश स्थापना करते हुए पूजा की शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। और देखिए प्रीत विहार से भावना किशोर हमारे साथ दुर्गा मंदिर से जुड़ गई हैं। भावना, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि बड़ी तादाद में आज के दिन मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं? और बिल्कुल, आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में हर मंदिर, देश के हर दुर्गा मंदिर में भीड़ देखने को मिल रही है। जो भक्त हैं वो लंबे समय से इंतजार करते हैं हर साल नवरात्र का। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुर्गा मंदिर को यहां पे सजाया गया है और सुबह से ही लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। बेहद खास होता है ये 9 दिन, लोग 9 दिन का फास्ट रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं। अगर बात करें पंडित जी, इस बार कितना खास होने वाला है नवरात्र? देखिए नवरात्र में जो है ना, आप कह रहे हैं कितने खास, ये तो खास है ही, क्योंकि सृष्टि की मुख्य जो है दात्री माँ भगवती है और माँ भगवती को जितने भी देवी देवता हैं सबने सम्मान किया है, सबने सम्मान करते हुए अपने अपने जो है आभूषण से उसको, उनको विभूषित किया है। और ये आदि शक्ति है, इन्हीं की कृपा से सारा सृष्टि 84 लाख योनियां बिल्कुल किस तरह से यहाँ पर आभूषणों से श्रृंगार किया जा रहा है। और इसी तरह की खूबसूरती जो है भावना, देखिए वो देश भर के अलग अलग मंदिरों से देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात साईं बाबा की करते हैं, जिनको लेकर विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो मूर्ति थी उनको हटाया गया और ये मामला वाराणसी के बाद अब लखनऊ तक जा पहुंचा। देखिए कल हमने देखा कि वाराणसी में किस तरीके से गणेश मंदिर में से साईं बाबा की मूर्ति को हटाया गया, संत साधुओं का भी